और इस रैली को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि रैली में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीटों पर जल्दी ही फाइनल फैसला होगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है, हमारे जो सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है सही ढंग से गया है और थोड़ा परिवर्तन आया है क्योंकि राहुल जी को पटना जाना पड़ा है। रैली है, बड़ा ऑपोजिशन रैली है, कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद होंगे, राहुल जी भी रहेंगे और ये एक विशाल रैली है, एक तरीके से कहा जा सकता है ये इंडिया रैली है। और आज की रैली को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि दिल्ली और बिहार सरकार के खिलाफ हमारी पटना में यह हुंकार है। रैली अभूतपूर्व होगी, गांधी मैदान में राजनीति की नई इबारत, दिल्ली की सत्ता को भी संदेश देने के लिए और बिहार की भी सत्ता को संदेश देने के लिए इकट्ठा होंगे। मैं समझता हूं इसके अलावा अगर आपको मतलब ये बात मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग इसको नजर में रखिए कि जो व्यक्ति 16 17 18 घंटे सड़क पे रहा किस भरोसे पे, नौकरी नौकरी, युवा कुछ नहीं सोच रहा, युवा सोच रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी, आप उल्टा करके पूछो तेजस्वी मतलब तो नौकरी। ये चीज मैंने कहा पहले भी कि पीआर एजेंसी ने नहीं किया, ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से युवाओं को काम देख करके ये घर घर ये एहसास हुआ। और वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने रैली को लेकर कहा है कि रोजगार के सवाल पर वो बताएं कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे हजारों करोड़ का मालिक बन सकते हैं। रैली तो करना ही चाहिए, रैली करिए और रैली में ये बताइए कि युवाओं को रोजगार के सवाल पर कौन ऐसा टेक्निक है, कौन ऐसी तकनीक है जिससे कि हजारों करोड़ का मालिक बना जा सकता है। माननीय राहुल गांधी जी पर कोई टिप्पणी करना समयोचित नहीं लगता है, तो विदेश दौरे पर रहते हैं ज़्यादा, तो सरजमी पर जब काम करेंगे तब ना उनको पता चलेगा। ये पदयात्रा पर हैं, देश चुनाव के मूड में आ गया, ये पदयात्रा पर हैं तो विदेश दौरे पर हैं, तो इनके बयान को बहुत गंभीरता से देश भी नहीं लेता है और मुझे अब लगता है कांग्रेस भी नहीं लेता। लंपटों की राजनीति परवान चढ़ती है ऐसी रैलियों में, इसलिए कम से कम लोग खुद भी सचेत रहें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।